और चलिए आगे बढ़ते हैं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां अखिलेश सरकार में लखनऊ की एसएसपी रही मंजिल सैनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, श्रवण साहू हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने उन्हें लापरवाही का दोषी माना है और राज्य सरकार से कार्रवाई करने की सिफारिश की है। सैनी साल 2005 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, वो 18 मई 2016 से 27 अप्रैल 2017 तक लखनऊ की आईपीएस रही थी। वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में डीआईजी के पद पर तैनात हैं। लखनऊ के आदतगंज थाना क्षेत्र निवासी श्रवण साहू की हत्या 1 फरवरी 2017 को उनके घर के सामने गोली मारकर कर दी गई थी। बहरहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुश्किल अखिलेश सरकार में लखनऊ के एसएसपी रही मंजिल सैनी की बढ़ सकती है। अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, ये श्रवण साहू हत्याकांड हुआ था 2017 में, 1 फरवरी वो तारीख थी और तब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे और बीजेपी ने इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाया था। आप ये सोचिए कि बीजेपी के बड़े नेता, हम कहें तो, वो श्रवण साहू के घर तक गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। उसी मामले की जब सीबीआई जांच हुई है तो मंजिल सैनी जो उस वक्त एसएसपी थी लखनऊ में, वो भी कहीं ना कहीं काम में लापरवाही की दोषी, अब सीबीआई ने उनको पाया है और ये सिफारिश की है राज्य सरकार से कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरअसल श्रवण साहू के बेटे की हत्या 2013 में हुई थी और तब श्रवण साहू उसके बाद से लगातार अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे थे। इसी से जो हत्या आरोपी थे वो इसी से नाराज थे और उन्होंने दिन दहाड़े, अगर हम कहें तो, ये हत्या की थी। श्रवण साहू दुकान में बैठे थे और तभी गोलियों से उनकी हत्या कर दी थी। उसके पहले ही श्रवण साहू तमाम अफसरों से मिले थे, चाहे वो एसपी हो, डीआईजी हो, हर अफसर से मिले थे। एसएसपी मंजिल सैनी से जाकर कई बार गुहार लगाई थी कि उनको सुरक्षा दी जाए, उनकी जान को खतरा है, पर सुरक्षा उनको मिल नहीं पाई और उनकी जान चली गई। जब इस पूरे मामले की सीबीआई ने जांच की तो अपने तरीके से उन्होंने इस मामले में देखा कि कहीं ना कहीं लापरवाही है, काम में लापरवाही है और इसीलिए अब जांच की सिफारिश की है। इस पूरे मामले में 14 पुलिसकर्मी जो है वो भी जो हत्या करने वाले थे उनके साथ मिले हुए थे और जो जेल में बंद था हत्या आरोपी, वो बाहर जब निकला तो उसने पुलिस वालों के साथ मिलकर साजिश थे, इसीलिए तीन पुलिसकर्मियों को तो देखने वाली बात होगी आगे किस तरीके से जांच पड़ताल बढ़ती है। बने रहिए अनुभव आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।